वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स, ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा पांचवी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि लेट्स लर्न प्राणायाम। आओ प्राणायाम सीखें। तो चलिए देखते हैं प्राणायाम होता क्या है। तो पहले हम दो बच्चों की स्टोरी देखेंगे। दो बच्चे होते हैं, वो पार्क में जाते हैं, पार्क में टहलने का सोचते हैं वो लोग, और सुबह काफ़ी जल्दी उठ के चले जाते हैं। तो वो देखते हैं इतनी सुबह सुबह भी कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं। फिर उनकी नज़र पड़ती है पार्क के बीच में, जहाँ पे कुछ लोग विभिन्न मुद्राएं कर रहे होते हैं। तो उन्हें काफ़ी जिज्ञासा होती है, उन्हें जानने का मन होता है कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो वो जाते हैं उनके पास और पूछते हैं। तो वहाँ पे एक व्यक्ति होता है जो कि होता है योग गुरु। वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो बताते हैं कि हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं। तो वो और जिज्ञासु हो जाते हैं, वो जानने की इच्छा करते हैं कि प्राणायाम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या फ़ायदे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम टुडे। तो आपने भी देखा होगा कई बार आपके स्कूल में, आपको मॉर्निंग असेंबली में सुबह सुबह आपको अलग अलग मुद्राएं बनाने को बोलते हैं, एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, प्राणायाम करने को बोलते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइजेज होती है, लेफ्ट राइट मार्च पास होती है, तो वो सब इसी में आते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राणायाम क्या है। हम यहाँ देखेंगे प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। ब्रेथ को कंट्रोल करना कैसे सीखते हैं, वो हम प्राणायाम में सीखते हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो जो सांस रोकना, सांस बाहर छोड़ना, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है ज़्यादातर हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, श्वास दर जो है, सांस लेने का जो दर है वो थोड़ा सा कम होता है, हार्ट रेट थोड़ी सी स्टेबल होती है। और इसका एक और फ़ायदा ये है, यानी कि जो रक्तचाप है वो कम होता है, नियंत्रण में होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होता है। अब हम देखेंगे कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों आई होप अभी तक क्लियर होगा कि रक्तचाप कंट्रोल होता है और इसके जो हार्ट बीट है उसके भी इसमें फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि इसका और क्या फ़ायदा है मन और तन पे। तो हम ये जानते हैं कि प्राणायाम करना हमारे मन को और तन को आराम देता है, इट रिलैक्सेज आर बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका और क्या फ़ायदा है। तो बच्चों इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन फ़ायदा ये है कि ये हमारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसे बढ़ाता है। आप कितना जिएंगे वो इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। बच्चों हमने क्या देखा, क्या सीखा, कि प्राणायाम इज़ दी कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। फिर हमने देखा कि इसके अभ्यास से हम अपने शरीर का जो श्वास दर है, यानी कि जो ब्रेथ रेट है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, धीमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि जो हार्ट पंपिंग रेट है, हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो जो रेट है ये उसको भी कंट्रोल करता है। इसका नेक्स्ट हमने यहाँ पर पे फ़ायदा देखा कि जो रक्तचाप है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है ये उसको भी कम करता है, इसका उसमें भी फ़ायदा है। फिर हमने ये देखा कि इट रिलैक्सेस द बॉडी एंड माइंड। व्यायाम और प्राणायाम करने से आपको मन में थोड़ी सी शांति मिलती है, ये उस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने देखा इसका जो इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ये जो जीवन प्रत्याशा है ये उसे बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा ये क्या कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, चक्रासन, यानी कि द व्हील पोज। इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये लेडी बेंड होके खड़ी हैं, ये देखिए। तो हम थोड़ा सा चक्रासन के बारे में जानते हैं। अब आप बोलेंगे इस पोज के क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चक्रासन में आप यहाँ देखेंगे ये जो रीढ़ की हड्डी है ये बेंड हो रही है निचली तरफ में। तो यहाँ देखेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, ये उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो लचीलापन होता है ये उसे बढ़ाती है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखेंगे अबाउट सर्वांगासन। अब आप बोलेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो लेट्स सी इस पोज के क्या फ़ायदे हैं। सर्वांगासन से हम देखेंगे ये जिस तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है
ये थोड़ा सा उसको क्या करती है, स्पीड अप करती है और स्टेबल करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इस आसन के बारे में, इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, ये काफी बढ़िया है। ऊर्ध्वा मुखा स्वना सना, तो इसको चार भागों में आप लर्न कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ फायदे देखेंगे। तो इसके फायदे हैं कि ये मसल्स को यानी कि मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड को भी, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले के बारे में पढ़ा था, ये उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आसन के बारे में, यानी कि हलासना। अब आप पूछेंगे कि ये पोज क्या करता है, तो लेट्स सी अबाउट दिस। हलासना के बारे में हम क्या जानते हैं, यहाँ पर ये जो होता है, इसका भी ये फायदा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट इसका ये है कि इससे जो लेग्स होते हैं, लेग्स मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ओके स्टूडेंट्स, और इससे इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं वो भी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस स्लाइड में क्या देखा, हमने पहले पढ़ा चक्रासन के बारे में यानी कि द व्हील पोज। उसमें हमने पढ़ा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी है ये उसे स्ट्रॉन्ग करती है, उसे बढ़ाती है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन इट्स नेम, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यू कैन राइट डाउन इट्स नेम। नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्वांगासन के बारे में। सर्वांगासन के क्या फायदे हैं, हमने ये देखा द शोल्डर स्टैंड इसको बोलते हैं, इससे जो शोल्डर्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। इसका ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, शोल्डर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा इसका ब्लड फ्लो से रिलेटेड एक छोटा सा फायदा है, जो कि ब्लड फ्लो को स्पीड अप करता है और स्टेबल करता है। चलिए हम नेक्स्ट पोज देखते हैं, ऊर्ध्वा मुखा स्वना सना। इसके हमने फायदे देखे कि ये मसल्स को स्ट्रांग करता है, ये बॉडी को रिलैक्स करता है और ये स्पाइनल कॉर्ड को भी स्ट्रांग करता है। तो बच्चों हम इन सब में देखेंगे एक ऐसा एडवांटेज है, एक ऐसा फायदा है जो इन सब पोजेस में सेम है, वो है कि रीढ़ की हड्डी इलास्टिसिटी बढ़ती है उसकी और वो उसे स्ट्रांग करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हलासना के बारे में, द प्लो पोज, यानी कि जो हल होता है वो उसे बोलते हैं प्लो। उसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे इलास्टिसिटी बढ़ती है, जो बॉडी का लचीलापन है वो बढ़ता है। नेक्स्ट इसका भी एडवांटेज था कि ये स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ये देखेंगे कि जो लेग्स मसल्स होती है, जो पैरों की मांसपेशियां होती है, ये उसे स्ट्रॉन्ग करता है। तो स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दी नेम्स ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमने इन आसनों से कुछ सीखा है एंड लेट्स सी क्या, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम अपना सांस लेने का दर कैसे कम कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर देखते हैं। वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, हम अपना सांस लेने का दर प्राणायाम के अभ्यास से कम कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स एंड क्वेश्चंस। नाउ लेट्स सी व्हेन शुड प्राणायाम बी डन। अब लोग पूछेंगे कि प्राणायाम कब करना चाहिए। ऐसे तो प्राणायाम करने का कोई एक समय नहीं है, बट सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें देखेंगे, सुबह का जो समय होता है, प्रातःकाल का जो समय होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा, उस टाइम इसे करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। तो प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। प्राणायाम सुबह खाली पेट करना चाहिए, प्रेफरेंस सुबह खाली पेट करने को देना चाहिए। स्टूडेंट्स यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स ओवर हियर। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पद्मासन के बारे में। तो नाउ यू कैन सी ये जो पद्मासन पोज है, ध्यान में जैसे ये बैठे हैं आप ये देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पद्मासन के बारे में। जो पद्मासन है उसके क्या फायदे हैं और लोग क्यों करते हैं इसे। तो इससे जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, वो जो इससे निकलती है, वो बहुत लाभदायक होती है शरीर के लिए। जो फिजिकल एंड मेंटल
वाइब्स होती है, एनर्जी होती है, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो निचली रीड के हिस्से में परिसंचरण होता है उसे बढ़ाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है लोअर बैक में, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी ये पढ़ा था। और जो स्टमक की जो मसल्स होती है उसे भी ये टोन करता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टमक की जो मसल्स होती है उसे ये टोन करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है उसे बढ़ाता है। तो स्टूडेंट्स, पद्मासन के बारे में हमने क्या सीखा? ये जो मेंटल फिजिकल एनर्जी होती है, इसकी जो ऊर्जा है वो शरीर को काफ़ी लाभ देती है। और हमने ये भी देखा कि इसकी मदद से जो पेट की मांसपेशियाँ होती है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये हेल्प करता है, उसे टोन करता है स्टूडेंट्स, और बाकी के जो अंग हैं उन्हें भी टोन करता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज ये था कि ये जो ब्लड फ्लो है ये उसे बढ़ाता है। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो श्वास व्यायाम है उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं इसे किस तरह से किया जा रहा है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इट। पूरक, यहाँ पे आप पूछेंगे व्हाट इज पूरक, पूरक क्या है? इस पिक्चर को देख के आपको क्या पता चलेगा पूरक क्या है? तो लेट्स सी, व्हेन यू ब्रीद इन, व्हेन यू सिट इन दिस पोज, पुट योर लेग्स ओवर ईच अदर एंड यू ब्रीद इन। तो जो ब्रीद इन करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? पूरक। जो ब्रीद इन का प्रोसेस होता है अपना राइट थंब अपने नॉस्ट्रिल्स पे रखने के बाद उसे क्या बोलते हैं? पूरक। सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट लेट्स रीच टू कुंभक। अब आप पूछेंगे व्हाट इज कुंभक, कुंभक क्या है? तो जब आप सांस लेते हैं, व्हेन यू ब्रीद इन एंड यू होल्ड योर ब्रेथ, जब आप सांस लेके उसे रोकते हैं कुछ सेकेंड के लिए तो उसे कहते हैं कुंभक। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग योर ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। सांस रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। स्टूडेंट्स, से क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम आते हैं रीचक पे। नाउ व्हाट इज रीचक, रीचक क्या है? तो लेट्स लर्न अबाउट रीचक। अब सांस अंदर ले ली, रोक ली, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सांस बाहर छोड़ना। तो व्हेन यू रिलीज योर थंब फ्रॉम योर नोस्ट्रिल, जब आप अपने थंब को अपने नाक से धीरे धीरे हटाएंगे और सांस बाहर लेंगे, व्हेन यू ब्रीद आउट, स्टूडेंट्स व्हेन यू ब्रीद आउट उसको हम बोलेंगे रीचक। रीचक क्या है? श्वास बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीचक। ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रीचक, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज रीचक। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहले तो आएगा व्हाट इज प्राणायाम। तो हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था व्हाट इज प्राणायाम, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन। प्राणायाम क्या है? हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, प्राणायाम श्वास का नियंत्रण और विस्तार है। ओके स्टूडेंट्स, प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ। नाउ लेट्स मूव बैक टू क्वेश्चन। What are प्राणायाम्स benefits? यानी कि प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं? Okay students, हमने फ़ायदे भी पढ़े थे, let's revise it again। प्राणायाम के क्या फ़ायदे हैं? तो हमने ये देखा था कि जो श्वास दर है, ब्रेथ रेट है, उसको कम करता है। सांस लेने के दर को कम होने से भी बहुत लाभ होते हैं हमारी बॉडी में। यह हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। जो रक्तचाप है यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, ये उसे भी स्टेबल करता है, कम करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट था एडवांटेज इसका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन ओवर हियर। इसका आंसर क्या होगा? लेट्स सी, इसके आंसर में हम पहला लिखेंगे इट रिड्यूसेस, इट लोअर्स ब्रेथ रेट, यानी कि सांस लेने का जो रेट है ये उसे कम करता है, श्वास दर को कम करता है। इसका नेक्स्ट हमने देखा था
इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, यानी कि जो ये रक्तचाप है ये उसे कम करता है। नेक्स्ट हमने इसका एडवांटेज देखा था, ये देखा था कि इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड। ये हमारी बॉडी और माइंड को, यानी कि हमारे तन और मन को रिलैक्स करता है। हमने इसका नेक्स्ट एग्जांपल ये देखा था स्टूडेंट्स, इसका फायदा ये देखा था कि इट इंक्रीजेस, ये क्या बढ़ाता है। लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये बढ़ाता है जीवन प्रत्याशा, इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हम वापस से रिवीजन पे आ जाते हैं, हमने कितने आसन के बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमने पढ़ा था चक्रासन, एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सर्वांगासन, जो आप देख सकते हैं जो शोल्डर स्टैंड है इस तरीके से, इसे सर्वांगासन बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऊर्ध्वमुखा स्वनासना पे, ये काफ़ी बड़ा नाम है, इसे आपको याद करना होगा, इसकी स्पेलिंग को याद करना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये करता क्या है, मसल्स और स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था हलासना, द प्लो पोज। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इलास्टिसिटी स्पाइनल कॉर्ड और मसल्स को ये करता है स्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी रेड अबाउट पद्मासन। पद्मासन के ऊपर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज पद्मासन एंड हाउ इज इट हेल्पफुल, पद्मासन क्या है और इसके हमारे लिए क्या लाभ है, हमारे शरीर के लिए क्या लाभ है। तो हमने देखा था पहले ये पोज देखा था हमने, यहाँ पे देख लीजिए, इसका हमने पढ़ा था इसका जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पे लाभ है। तो हमने ये देखा था जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस है वो पद्मासन से मैनेज होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करने में हेल्प करता है, ये जो पेट की मसल्स है स्टमक मसल्स को टोन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने इसका ये भी फायदा देखा था, ये जो रक्त प्रवाह है द फ्लो ऑफ ब्लड, उसको भी ये अच्छे से बढ़ाता है और प्योरीफाई करता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हमने आज क्या क्या पढ़ा अबाउट प्राणायाम, हमने क्या स्टोरी देखी थी, हमने स्टोरी देखी थी नितिन और शिवम की, उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे, उन्होंने क्या सवाल पूछे थे अपने योग गुरु से, योग अध्यापक से, तो वो आज उनके सारे सॉल्व करते हुए हमने देखे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा प्राणायाम क्या है। तो हमने प्राणायाम के पॉइंट्स जैसे कि पहले डिस्कस किए, नाउ लेट्स गो टू द मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन एंड कंट्रोल, जो कि हम फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं, प्राणायाम क्या है, श्वास का विस्तार और नियंत्रण। तो एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे आता है विस्तार, यानी कि बढ़ाना, और कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे नियंत्रण। ओके स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, यानी कि विस्तार और नियंत्रण, हमने ये पढ़ा विस्तार और नियंत्रण के बारे में फर्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था, इसे बोलते हैं जो रक्तचाप होता है उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्पेलिंग पढ़ने वाले हैं पद्मासन की, PADMASANA, पद्मासना, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम स्पेलिंग पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वमुखा स्वनासना की, तो आप इसको चार भाग में लर्न कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ लिखा ऊर्ध्वा, फिर हम यहाँ लिखेंगे मुखा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हमने इसको ब्रेक डाउन किया था स्वना में, और फिर जो लास्ट इसका ब्रेक डाउन होगा होगा स्वना। सो स्टूडेंट्स होप ये क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट प्राणायाम क्या है, इसके क्या फायदे हैं। कुछ पोजेस पढ़े हमने, कुछ विभिन्न प्रकार की मुद्राएं पढ़ी, उनके बारे में जरूर और रिसर्च कर लेना। और आपका होमवर्क ये है कि जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं आज, जैसे कि व्हाट इज प्राणायाम, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट इज पद्मासना, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट इज पूरक, व्हाट इज कुंभक एंड व्हाट इज रीच, इन सबको आपको अपनी नोटबुक्स में करना है। एंड आई होप इट्स ऑल गुड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।